गुड मॉर्निंग गाइस, आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। सो आज है शरद पूनम, तो व्लॉग में बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड ऑल्सो ये देखिए मेरी वाइफ ने क्या लिख के भेजा मेरे लिए रखा है। वो कहीं बाहर गई है तो मेरे लिए सब नोट्स छोड़ के गई है। ओके सो मेरे लिए पुलाव बना के गई है और दाल पड़ी है और इसमें चाय है, तो चलिए नाश्ता करते हैं। How you doing, man? चलिए हम जा रहे हैं आज बाहर घूमने, नहा धो लिया है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। और मेरे साथ आ रहा है भाविक और आज संडे है एंड साथ में हीना भी आ रही है और हम थोड़ा ऐसा छोटा मोटा ट्रिप मारने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। हमारा पहला स्टॉप है पेट्रोल पंप एज ऑलवेज। नेक्स्ट हवा चेक करवाओ। ट्रैवल पे निकलने से पहले दो चीज, पेट्रोल, हवा, गाड़ी चेक करना इम्पोर्टेंट है। अब हमारा ट्रैवलिंग शुरू हो रहा है, भाविक अपनी गाड़ी पे, मैं अपनी गाड़ी पे हूँ। सो 30 किलोमीटर जाने का है, चलिए चलते हैं। पहला डेस्टिनेशन है मानसी, पहले मानसी जाएंगे, फिर भारोली जाएंगे। ठीक है, तो पहले मानसी फिर भारोली। So, हम आ चुके हैं जय आवड़ माँ मामसी, और ये भाविक के कुल देवता है। एंड यहाँ का जो वाइब है वो बहुत अच्छा है, एकदम पीसफुल है, खूबसूरत है और बहुत मज़ा आ रहा है, वैसा वाला टाइप का है। सो अभी भाविक अपना हाथ पैर धो रहा है मंदिर के अंदर एंटर करने से पहले, जो बहुत ही अच्छी बात है। शुरू रखना भाविक, पीने का पानी है फिर तो कोई नहीं ना, तो पीना है ना तो पी सकता है, हल्का सा पैर में डाल दे बस। ये मंदिर कम से कम 40 किलोमीटर दूर है, सो हमें यहाँ पहुँचने में 1-1.5 hours लगा, बिकॉज थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, बट कच्चा रास्ता भी अच्छा रास्ता है। बस एक या दो गांव थे जिसमें थोड़ा रास्ता ख़राब था, बट वो भी इतना मैटर नहीं करता है, निकल गया था बढ़िया सा। हमारे दर्शन हो चुके हैं, भाविक अपना अंदर दर्शन कर रहा है और सीरियसली बोलूँ तो बहुत ही शांति और एकदम मस्त मंदिर है।
लाइक उन भाविका कुलदेवी का मंदिर है। सो या इसलिए आज हमने प्लान बनाया कि उसके कुलदेवी के मंदिर आना है, ऐसे पिकनिक थोड़ा सा, फिर यहाँ से शायद वावड़ी जाने का प्लान है, तो बस वही घूमने निकले थे क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग गए, मैं और भाविक ज़्यादा घूमने नहीं निकले थे इसलिए। और अभी भाविक अंदर अपने दर्शन कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया, भाविक को समझ जाओ कल का व्लॉग देख के आओ, ठीक है। भाविक क्या कर रहा है, बार बार मंदिर में आ रहा है जा रहा है। सो हीना इसलिए क्यों बार बार आ रहा है जा रहा है, तो हीना समझती नहीं है क्या होता है कि पहला होता है सुशील कन्या, दूसरा होता है पढ़ी लिखी कन्या, दूसरा होता है खूबसूरत कन्या, ऐसा सब बहुत सारे गुण होते हैं ना, तो हर एक गुण के लिए अलग अलग बार जाके मांगना पड़ता है, एक साथ जाके मांगेगा तो भगवान आधा भूल गए, तो इसलिए हर एक वो प्रॉपर 36 गुण की वाइफ लेके आ रहा है भाविक, 36 के 36 गुण मिल जाएंगे भाविक को अब तो। प्रसादी गाइस आप लोग भी खा लीजिएगा, मेरा लिया नहीं, मैं यहाँ पर कितना भक्ति कर रहा था। और तूने मेरे बारे में क्या सब बोला, तो हीना पूछ रही कि बार बार क्यों जा रहे, तो मैंने कहा ऐसा होता है देखो, पहले जाके मान्य का कि मेरे को सुंदर सुशील वाइफ चाहिए, फिर दूसरे में जाने का कि मेरे को पढ़ी लिखी चाहिए, तीसरे में जाने का कि मेरे को ओपन माइंडेड चाहिए, चौथे में जाने का कि मेरे को जॉब वाली चाहिए, पांचवें में जाने का पढ़ी लिखी चाहिए, ऐसे अलग अलग गुणों के लिए अलग अलग बार जा रहा है वो, एक बार में मांगेगा तो भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे। कहाँ पे, अंदर अंदर है ना, मैं अगरबत्ती करने गया था। मुझे पता है मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ये बहता पानी होता तो कितना खूबसूरत लगता। हाय हाय घोड़ा देखो क्या मस्त मजे ले रहा है, देख रहे भाई क्या मजे ले रहा है घोड़ा, क्या मस्त व्यू है यहाँ पर। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं भारोली खोडियार माँ के मंदिर, और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कुत्ते हैं, ठीक है। सो हीना और भाविक गए हैं नारियल लेने के लिए, अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं।